तो आज ब्लॉक रात को 1 बजे शूट हो रहा है और ब्लॉक की शुरुआत रात को 1 बजे हो रहा है और देखे जैसे कि मैगी बना रहे हम लोग। रात को आने के बाद भूख लगा है तो होटल भी अपना होम स्टे था तो कुछ मिला नहीं, इसलिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये देखिए, ये सदुपयोग सर हो रहा है भूख इसका लगा आपको। मैं एकदम लालसा भरी निगाहों से देख रहा हूँ इसको। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं, मैं ही खाते उसके बाद सो जाएंगे, एडिटिंग करना सुबह उठ के, फिर जी सुबह उठ के मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और ये नोएडा है और डे 3 है। तो यहाँ का मौसम देखो, आज सुबह का बज रहे 10:30, क्लाइमेक्स ज़बरदस्त है आज का। और जिस प्रॉपर्टी में अपन रुके थे रात को, ये है उसका बाहर का नज़ारा। काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है, होम स्टे था ये। और रात को मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया क्योंकि रात 12:30 बज गया था चेक इन करते करते। तो अपन यहाँ से निकलते हैं अभी बहुत जल्द और हम लोग आज जम्मू पहुँचना है। देखते हैं कि जम्मू पहुँच पाते कि नहीं आज। ये है अपना रूम और रूम में सब ऐसा बिखरा हुआ है क्योंकि राइडर्स लोग हैं, बाइक में राइड करते हैं, तो इस टाइप का सामान बिखरा रहेगा। और एडिटिंग का काम चल रहा है तो मिलते हैं आपसे रोड पे गाड़ी के ऊपर। तो 12:50 हुआ है घड़ी पे और आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो यहाँ से हम लोग नोएडा को बाय कर रहे हैं और जम्मू के लिए बड़े हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। तो ये सिटी क्रॉस करते हैं फिर आपसे मिलते हैं हाईवे पे। ये मेरे लेफ्ट साइड देखो, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ये सब देख के लगता है कि दिल्ली बॉम्बे में ही हो आप। तो हम लोग अभी सिटी से निकल के हाईवे पे पहुंच गए। ये एक्सप्रेस हाईवे है तो ये एक्सप्रेस वे में चढ़ चुके हैं अपन। दिल्ली का ये बहुत बढ़िया खासियत है कि आपको आउटर में एक्सप्रेस वे है हर जगह, तो सफ़र बहुत इजीली हो जाता है। तो 82 किलोमीटर हमको इस रोड पर चलना है, तो ये रोड को कवर करते हैं उसके बाद आगे आपसे मिलते हैं। तो यहाँ से आप मेरठ भी जा सकते हो और हरिद्वार भी जा सकते हो। यहाँ से लेफ्ट लेंगे मेरठ और हरिद्वार के लिए, ऊपर से ऐसा हाईवे चढ़ के ये निकल रहा है गाड़ी और हम लोग जाएंगे अंडर ब्रिज से। तो अभी हम लोग एक्सप्रेस हाईवे छोड़ चुके हैं और ये जो रोड है, ये कौन सा रोड है सर? NH 44 पे आ गए हैं और गाजियाबाद दिखा रहा लेफ्ट हैंड में, लेकिन हम लोग जाएंगे स्टेट। और पिछले 2 वीडियो में आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए तो हमको भी सपोर्ट मिलेगा और आगे का सफ़र और मज़ेदार आने वाला जब हम जम्मू क्रॉस करेंगे।
तो चलिए आगे मिलते हैं। तो हम भूल चुके हैं, आपको याद हो तो कमेंट करके बताना ये कौन सा फ्यूल रिफिल सेंटर है हमारा। ओके 96.6, चलो रेट ठीक है। मेरे गाड़ी के आगे देखो, लद्दाख द गोल इज टू डाई विथ मेमोरीज नॉट ड्रीम्स। सही बोला भाई, ये भी लद्दाख जा रहा है। देखो भाई कर्तव्य कर रहे, देखो देखो बिना हेलमेट बिना गियर्स के सैडलिंग कर रहा भाई ये। तो हम लोग चलते हुए करनाल क्रॉस कर रहे हैं, करनाल ओल्ड सिटी, और सीधा है आपका अमृतसर 340 किलोमीटर। और जो भाई साहब पूछ रहे थे, जो भाई पूछ रहा था कि मतलब रूट बताते चलो, तो हम लोग जो छत्तीसगढ़ से निकले हैं, तो आपको वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा कि हम लोग कौन से रूट से आए हैं। पूरे वीडियो में रूट बताते हुए आए हैं, बालाघाट क्रॉस किए, गोंदिया क्रॉस किए, फिर क्या क्या क्रॉस किया, कहाँ रुके, कहाँ खाए। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको छत्तीसगढ़ से लद्दाख जाना है तो कौन सा रूट पकड़ना है और कैसे जाना है। तो मिलते हैं आगे, और ये रोड सीधा अमृतसर की तरफ जा रहा है। बाला किल जस्ट आगे रुके थे, और हम लोग सोचते कि बाइक में लद्दाख कैसे जाएंगे, और ये निकले भाई साहब साइकिल में, ये देखो दिल्ली से निकले हैं और लद्दाख जा रहे हैं बिटवीन साइकिल में, जो कि डीकैथलॉन में मिलता है। गुड यार। और ये भाई साहब बैठे हैं जो साइकिल में लद्दाख जा रहे हैं। तो अकेले जा रहे हो भैया? अकेले पहली बार है? और कहाँ से जाऊँगे? जम्मू होके नहीं, इधर मंडी होते हुए रोहतांग टनल होते हुए। कश्मीर से कुछ हो गए? हैं कश्मीर से कुछ हो गए इधर से ही ना, रोहतांग टनल से लद्दाख उधर से पार के। ओके, तो भाई अमृतसर होते हुए जा रहे हो शायद? वो आपका मनाली होके जा रहे हो? चलो देखो, जज्बा होना चाहिए। तो भैया साइकिल बाबा को देख के इंस्पायर हुए हो? अरे भाई वो तो काफी मतलब कि खत्म बंदा है वो। हाँ, वो वर्ल्ड घूम रहा है। वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड की बात नहीं, जैसे आप कोई चीज टारगेट अचीव कर रहे हो ना, तो उसमें आप ये देखो कि डिस्टेंस कम से कम टाइम में कवर करो। साइकिल बाबा को मैंने देखी थी लद्दाख की वीडियो, फर्स्ट वीडियो, वो दिल्ली से चले थे, वो मूर्थल में रुके थे, 70 किलोमीटर बस डिस्टेंस। तो अभी मेरा है कि कम से कम 250 किलोमीटर का एक दिन में कवर करना है, तो 250 किलोमीटर हो जाएगा। यही चीज़ है, टारगेट अचीव करो बढ़िया। साइकिल में एक दिन में 250 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा जज्बा है। दिल्ली से निकले हैं भाई, तो हो सकता है तो हम आपसे लद्दाख में मिलेंगे फिर से। ठीक है, चलो। तो मैंने अभी ग्लव्स खोल दिया है और चले भैया, चलो मिलते हैं, आप ब्लॉग में हो। चलो, बहुत देर रुकने के बाद यहाँ से डिसाइड हुआ कि अब हम लुधियाना में स्टे करेंगे, और काफ़ी अच्छा टेस्टी था नींबू पानी यहाँ पर। बाय भैया। और यहाँ से लुधियाना 138 किलोमीटर है, 132 किलोमीटर, तो चलते हैं आगे। हम लोग अभी बढ़ चुके हैं लुधियाना के लिए, हमारा नेक्स्ट स्टॉप इस लुधियाना है, और कल का पता नहीं कहाँ रुकेंगे, कल डिसाइड करेंगे। आज लुधियाना में रुक रहे हैं, और आपको जैसे दिखाया, गाड़ी और साइकिल कोई मैटर नहीं करता, लोग तो रिक्शे में भी, आप देखो लद्दाख सर्च करो, रिक्शे में भी लद्दाख जा रहे हैं। तो आपका पैशन होना चाहिए, आप किसी भी गाड़ी में, किसी भी बाइक्स में, किसी भी साइकिल में, रिक्शे में लद्दाख जा सकते हो।
तो जो बोलते हैं कि मेरे पास इतना सीसी गाड़ी है मैं कैसे जाऊंगा, तो जो साइकिल में जा रहे हैं उसको देखो वो कैसा हिम्मत रखा होगा, जो डेली 250 किलोमीटर चला के साइकिल में लद्दाख जा रहे हैं। और आप सर्च करेंगे तो एक बंदा आया हुआ है कलकत्ता से, जो कलकत्ता तो लद्दाख सर्च करोगे तो वो दिखेगा, जो कि पूरा इंडिया का बॉर्डर जो है आउटर साइड वो साइकिल में कर रहा है। तो ये मतलब पैशन ही है जो ये सब करवाता है, ये ठीक है। जहाँ भी लगा साइकिल उतारे और चले अपने रास्ते। ये अंबाला आपका स्वागत करता है। ओके, अंबाला आउटर भी काफ़ी अच्छा है। ये जब रात को लाइट जलता हुआ अच्छा लगता हुआ। जस्ट अभी हम लोग पंजाब एंटर किया है और हम लोग अभी तक हरियाणा में चल रहे थे, यूपी से हरियाणा आए, हरियाणा से अब पंजाब। तो आज का स्टे पंजाब में करते हैं। अच्छा है, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कितना? 100 रुपया फुल कर दो। ये अपना छठवा फुल फ्यूल स्टेशन है जहाँ रिफिल हो रहा है गाड़ी। और चलो ठीक है, 100 रुपये भी सही, 109 तक दलाए तो 100 कुछ नहीं है क्यों। तो ये लुधियाना शहर है और लुधियाना सिटी के अंदर घुसते ही हम लोग जाम मिला है बहुत, और कंटिन्यू 20-25 मिनट से चल रहे हैं, 5 किलोमीटर चले हैं। तो हम लोग अभी त्रिलोक भाई के घर पे हैं और फ्रेश हो गए, और ये हमारे लिए चिकन बन रहा है, और ये हमारे त्रिलोक भाई है और ये अमित भाई, दोनों भाई से मिल के बहुत मज़ा आया। मैं तो पहली बार मिला, अब भैया को छत्तीसगढ़ बुलाएंगे फिर से दोबारा, जरूर आएंगे हम छत्तीसगढ़। आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, मैं खत्म नहीं करूँगा जी, मैं करेगा दोस्तों मैं पिज्ज़ा खाया है अभी मैं इसलिए आज का ब्लॉग खत्म करूँगा जी। आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा एक बार बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगा होगा तो पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना जी जी जी, और जितना हो सके अपने दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर करो, क्योंकि आगे का लद्दाख ट्रिप बहुत मज़ेदार होने वाला है जी। कैमरा जो है मेरे हाथ में दे दिया गया है, तो आज के जो ब्लॉग है मैं समाप्त करूँगा। चलिए आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा प्यारा प्यारा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तब तक के लिए आज आप बोलोगे हंसते रहे मुस्कुराते रहे, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय लद्दाख।